इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कास्केडिंग रोल बैक और कास्केडिंग एबॉर्ट। मींस होता क्या है कि सपोज करो एक स्केड्यूल गिवन है ये, ओके, और इसमें क्या होता है कि जैसे कि यहां पर डब्ल्यू ए है, टी वन ने राइट किया है डेटा आइटम ए पर, ओके, उसके बाद इसी टी वन के लिखे हुए को टी टू ने रीड किया है, डेटा आइटम ए को रीड किया है टी टू ने, और उसके बाद टी टू ने भी ऑपरेशन परफॉर्म करके राइट का ऑपरेशन परफॉर्म किया है ए पर, और इसकी टी टू की लिखी हुई वैल्यू को टी थ्री ने रीड कर लिया है, ओके। तो सपोज करो कहता है कि अगर टी वन, लेट की टी वन फेल हो गया, ओके, जैसे ही टी वन फेल होगा टी वन को क्या किया जाएगा, रोल बैक किया जाएगा, ओके, अबॉर्ट किया जाएगा या रोल बैक किया जाएगा, ओके। तो चूंकि टी वन रोल बैक हुआ है तो अब क्या करना पड़ेगा, टी टू भी रोल बैक होगा। क्यों रोल बैक होगा, क्योंकि ए की वैल्यू इसने गलत पढ़ ली है, एक्चुअल में जो अपडेट हुआ था वो रोल बैक होने की वजह से टी वन अपनी इनिशियल कंडीशन पर चला गया, ओके, एंड देयरफॉर अब जो इसने टी टू ने जो ए की वैल्यू रीड कर रखी है वो इनकंसिस्टेंट वैल्यू रीड कर रखी है। अगर इसको रोल बैक नहीं होता टी टू तो डेटाबेस को इनकंसिस्टेंट स्टेट में डेटाबेस पहुंच जाएगा। सिमिलरली यहां टी थ्री ने भी क्या किया है, टी टू की लिखी हुई वैल्यू को पढ़ रखा है, हो सकता है कि आगे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करे, ओके, ए पर और किसी तरह का कोई राइट वगैरह करे, तो उस केस में क्या होगा, ए को भी, चूंकि अब जब डब्ल्यू ए यही गलत है तो फिर इसको इसने रीड किया है तो ये भी इनकंसिस्टेंट है, ओके, तो टी थ्री भी रोल बैक होगा। हो क्या रहा है, एक ट्रांजेक्शन के फेल होने की वजह से, एक ट्रांजेक्शन के फेल होने की वजह से क्या हो रहा है, ये भी रोल बैक कर रहा है, टी थ्री रोल बैक कर रहा है, और जितनी ट्रांजेक्शन इस सिनेरियो में होंगी वो सब रोल बैक होंगी। इसी को बोला जाता है कास्केडिंग रोल बैक, ओके, या कास्केडिंग एबॉर्ट, ओके, एबॉर्ट का मतलब अनडूइंग ऑल द इंस्ट्रक्शंस, मतलब जैसे टी वन में ये चार तीन ऑपरेशन परफॉर्म हुए हैं सबको अनडन कर देना है, टी टू का भी ऑपरेशन जो भी परफॉर्म हुए हैं वो भी अनडन हो जाएंगे, अपनी इनिशियल स्टेट में पहुंच जाएगा, ओके, तो यही लिखा हुआ है, सिंगल ट्रांजेक्शन फेलियर लीड्स टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन रोल बैक्स, जैसा कि आपने अभी देखा, कैन लीड टू अनडूइंग ऑफ अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वर्क, सो वेरी कॉस्टली, और इसी वजह से मीन्स जनरल यूज में ये कोशिश की जाती है कि कोई भी ट्रांजेक्शन कास्केडेड ट्रांजेक्शन ना हो, ओके। अब यहां पर अगर यहां पर यही मैंने बोला है कि T1 fails, then T2 and T3 must also be rolled back or aborted. अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट और पढ़ लेते हैं रिकवरेबिलिटी का। सपोज करो कि स्केड्यूल यही हो, ओके, और ये पूछा जाए कि क्या ये रिकवरेबल है, तो रिकवरेबल के लिए क्या देखते हैं, हम WR देखते हैं, तो यहां से ये एक WR है और यहां से ये एक WR है, ओके, ये स्केड्यूल सिर्फ एक ही केस में रिकवरेबल है। सपोज करो इसका कमिट टाइम हो C1, इसका कमिट टाइम हो T2 का C2, और इसका कमिट टाइम हो C3, ओके, अगर C1 स्मॉलर देन C2 स्मॉलर देन C3 है, ओके, देन S इज रिकवरेबल, ओके, रिकवरेबल, एल्स ये रिकवरेबल नहीं है, ओके, एंड दैट्स डन।